अब तक शिक्षा के नाम पर व्यापारीकरण करने वाली शैक्षणिक संस्थाएं अब शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड को भी पैसे कमाने का हथियार बना दिया है। और इस बार आर्टिफिशियल टर्फ के नाम पर फिलहाल हर प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में यह गौरख धंधा शुरू है। इन्हीं में से एक है दारावे स्थित गुरुवर्य बालाराम पाटिल स्कूल। सिडको से विद्या वर्धिनी मंडल के नाम से स्कूल को सिडको से भूखंड आवंटित किया गया था। साथ ही बगल में 4010 स्क्वायर मीटर का भूखंड खेल मैदान के लिए प्रदान किया गया, मगर दुर्भाग्य से आज इस मैदान पर आशीर्वाद सेवा केंद्र संस्था के माध्यम से एक नहीं तो 3 आर्टिफिशियल टर्फ तैयार कर इसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर कर संस्था ने सिडको के लीज एग्रीमेंट की न केवल सरेआम धज्जियां उड़ाई है बल्कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का काम भी किया है। हैरत की बात तो यह है कि इस टर्फ पर बॉक्स क्रिकेट और फुटबॉल खेलने आने वाले बच्चों से यही संस्था 1300 से लेकर 1500 रुपए प्रति घंटे के तौर पर वसूलने का काम खुलेआम कर रही है। आप खुद सुन लीजिए यह हकीकत इन बच्चों की जुबानी। सैटरडे संडे ज्यादा रहता है। सैटरडे संडे कितना लेते हैं? 1600 तक। कितना कितने घंटे का? 5v5 की टीम रहती है, 10 लोग रहते हैं, 10 लोग 1200 या 600 जो भी रहता है वो डिवाइड करते 10 लोगों में। सबसे बड़ी ताजुब की बात तो यह है कि सिडको से प्लेग्राउंड के लिए आवंटित भूखंड पर न केवल टर्फ तैयार किए गए बल्कि आशीर्वाद सेवा केंद्र संचालित अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी ने अवैध रूप से यहां जिम भी खड़ी कर दी। जब इस पूरे मामले को और अधिक गहराई से पता लगाने के लिए हम सिडको कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि संस्था ने टर्फ और जिम के निर्माण के लिए कोई भी मंजूरी या फिर परमिशन नहीं प्राप्त की है। सिर्फ आज यही नहीं तो पूरे शहर में रईस जादो द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ने खेल मैदान पर टर्फ जैसे नए चलन को बढ़ावा देने का घिनौना काम किया है जिसका इस्तेमाल आज मोटी कमाई कमाने के लिए होने लगा है। सिडको से शैक्षणिक संस्थाओं को खेल मैदान के लिए मिले भूखंड अब आर्टिफिशियल टर्फ में तब्दील कर यह संस्थाएं न केवल लीज एग्रीमेंट से जुड़े नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने का घिनौना काम भी कर रही है। जिनमें से एक है नेरुल पुलिस थाने के बगल में मौजूद यह स्कूल। बावजूद सिडको और स्थानीय प्रशासन आखिर क्यों इन संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है जो इन मैदानों का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से कर करोड़ों और लाखों का मुनाफा जुटाने में लगी हुई है। बावजूद स्कूल आवर्स के बाद इन बच्चों से प्रति घंटा 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए वसूलने का काम भी यही संस्थाएं कर रही है। ऐसे में कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ प्रशासन क्या इन संस्थाओं पर कार्रवाई की गाज गिराएगा या फिर यूं कहें कि अधिकारी भी इस पूरे स्कैम में लिप्त है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, ईडब्ल्यू नेटवर्क।